हाय। कभी सुबह सुबह छत पर आके सूरज की सुंदर किरणों को देखा है? नहीं तो देखना जरूर एक बार, समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूं। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। Over your skin, you can see it be. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Hold them right. Push through the atmosphere. Good morning guys. तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है एक प्यारा सा सनराइज देख के। पता नहीं क्यों ये सनराइज़ देख के एक पॉजिटिव सी एनर्जी आ जाती है। तो पॉजिटिव एनर्जी की बात हो ही रही है तो ऐसा लग रहा है कि फ्रेश हो जाना चाहिए। पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो कोई नहाता भी नहीं होगा। कुछ भी क्या करेंगे, बाहर तो जाना नहीं है, रेडी तो होना नहीं है, कुछ करना तो है नहीं, घर में पड़े रहना। लेकिन मेरे से नहीं होता ये, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं गया आज तक कि मैं नहाया नहीं हूँ और ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेट नहाऊंगा लेकिन लाऊंगा जरूर। लेट भी ज्यादातर मैं 11 से लेट नहीं होता हूँ, 11 ऑलरेडी बहुत लेट। And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good. Hey yo, YouTube family friends, welcome back to my channel. तो ये खुशी इसलिए, ये हंसी इसलिए क्योंकि मैंने बहुत से टेक्स्ट दिए लेकिन वो ठीक से आ रहा नहीं था। यार नहा के ना कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि नहाने के तुरंत बाद ही पसीना आना चालू हो जाता है। मतलब पसीना साफ करने के लिए हम लोग नहाते हैं और नहाने के बाद भी वही हो रहा है तो क्यों नहाते। अबे साले, वैसे ना ये लॉकडाउन में एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि बाल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस देखे मैंने कि घर पे बाल काट रहे हैं या फिर कुछ भी, लेकिन मैं नहीं कर सकता यार, आई कैन टेक द रिस्क। क्योंकि मेरे बाल एक तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, मैं सोच रहा हूँ इस बार कि ज़रा ज़्यादा बढ़ाऊँ। देखते कुछ नहीं है इसमें एक्टिंग ब्रो। एनीवेज लास्ट वाला जो वीडियो था डालगोना रोस्ट, तो उस पर आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार जाता है तो थैंक यू गाइज। वैसा ही एक और मैं वीडियो सोच रहा हूँ, एक क्या बोलते हैं वो नुस्खे रहते हैं ना गोरा होने के लिए, उस पर। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन खाली आप लोगों के लिए, प्लीज़ गो एंड कमेंट इफ़ यू वांट दैट वीडियो, क्योंकि इट इज़ फ्री, कुछ पैसे नहीं लगते वहाँ पे। तो जब कभी मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता, मतलब रोवर स्टाइल पे कंटेंट नहीं डाल रहा होता ना, तब मैं DIY ज़रूर बनाते रहता हूँ। मतलब DIY वीडियोज़ बनाता हूँ, ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, तो वो सब मैं अपलोड करता हूँ मेरे दूसरे चैनल पर जो कि है अतरंगी DIY। वैसे ये रहा मेरा चैनल, तो यहाँ पे काफ़ी सारे DIYs है, मतलब प्लेलिस्ट है। आप लोग जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो कि क्या क्या प्लेलिस्ट है। रिस्टोरेशन है, बूम बॉक्स है या फिर अनबॉक्सिंग है, व्हाट्स इनसाइड है, बाइक मॉडिफिकेशन है, क्रिएटिव माइंड्स, काफ़ी सारी चीज़ें मैं ये चैनल पे करते रहता हूँ। तो चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर जाके चेकआउट करो। अगर आपको लगे अच्छा कि कंटेंट वर्थ है या फिर कुछ अलग है, यूनिक है, तो जाओ जल्दी और सब्सक्राइब करो वो चैनल को। और आज उसी चैनल पे मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ, मतलब जब तक ये वाला वीडियो आएगा तब तक वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और ये जो वाले यहाँ पे न्यूज़पेपर क्यों लगा है, इसका रीज़न आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता लगेगा, तो जाओ यहाँ पे इंस्टाग्राम ID भी दे दूँगा, वहाँ जाके फॉलो करो और देखो, वहाँ पे समझ जाएगा कि क्यों लगा है। नहीं समझा तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊँगा। एक वो वक्त था जब हम आज़ादी से घूम पाते थे, और आज ये वक्त है कि हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. नॉर्मली ना ये सारी जो गाड़ियाँ है वो यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ एक ही ये गाड़ी रहती है, बाकी सारी गाड़ियाँ अपने अपने काम पर रहती है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा स्टॉक ही पड़ा है यहाँ पे। 10 बजे से लेके, मतलब वीडियो अपलोड किया 10 बजे, तब से लेके अब तक मतलब 4 बजे तक हम लोग काम ही कर रहे थे। जो ड्रिल मशीन होती है, हैंड ड्रिल मशीन, उसका स्टैंड बना रहे। ओके, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात ये कि अपनी जो लैला है, मतलब मेरी बाइक, आप लोगों को नहीं पता है तो इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो करो, तब जाके आपको सब कुछ पता लगेगा मेरे लाइफ में डिटेल्स, और आप लोग लिंक कर पाओगे सब चीज़ें। तो हाँ, तो बाइक जो है वो सील हो गई थी, मतलब सील मतलब जब्त हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन है और मुझे पता है कि बाइक लेके नहीं जा सकते। लेकिन वो दिन क्या मालूम मैं क्यों गया, ग्रोसरी लेने जा रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ तो पता है कि मॉडिफाइड बाइक लीगली अलाउड नहीं है, मतलब अभी नए जो रूल्स आए उसके हिसाब से। लेकिन मैं ज़्यादा दूर भी नहीं लेके जाता हूँ, घर के आसपास ही कुछ सामान लेने का है तो ही मैं वो बाइक
इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो दिन मैं लेके गया और उसी दिन पकड़ लिया मेरे को। मेरे पास सब है, वो गाड़ी का पेपर्स है, सब कुछ है सब कुछ है, लेकिन एक ही दिक्कत है वो बाइक की कि वो मॉडिफाइड है। तो पकड़ लिया और लेके चले गए। यार मेरे को ये ना बहुत आदत है, हाथ घुमाते रहता हूँ मैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, माइंड मत करना। तो लेके गए पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके पूछताछ हुई कि क्यों घूम रहा है, किस लिए गया था वगैरह वगैरह। उसके बाद में बाइक के लिए कि मॉडिफाइड बाइक है तेरी, तुझे समझता है क्या, न्यू रूल्स क्या है ये वो। तो काफ़ी सारी डांट भी खाई मैंने। उसके बाद में फ़ाइन बोले वो लोग कि डबल फाइन होता है, ये होता है वो होता है, सब कुछ बोला। लेकिन कैसे तो भी करके मैंने कन्विंस किया उनको कि चैनल है मेरा, मैं मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है, मैं दूर कहीं पे नहीं लेके जाता हूँ बाइक, मैं घर में मतलब पास में लोनावला में ही घूमता हूँ। लेकिन उन्होंने बताया कि रूल्स है बेटा, ऐसा नहीं होता ये वो। और फिर बाद में मैंने एक भैया है उनसे भी बात कराई उनकी, तो तब जाके उन्होंने बोला कि अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना और ऐसे बाइक लेके बाहर मत निकलना। तो वो दिन गलती हो गई और गॉड से अपनी बाइक अपने पास वापस आ गई है यार, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो बाइक एकदम इधर इधर है वो बाइक, क्योंकि खुद से बनाई है, मतलब खुद से मॉडिफाई की है, काफ़ी सारी चीज़ें हाथ की बनाई हुई उसमें लगाई है। तो एक अटैचमेंट सी है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग से जो अटैचमेंट होती है वैसी है वो मेरे लिए। तो इसलिए वो बहुत भावुक मोमेंट था मेरे लिए। अब उसको गलती से भी बाहर नहीं निकलने का, जब थोड़ा बहुत इधर उधर ठीक है, लेकिन ध्यान। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था कि आप लोगों की बाइक अगर मॉडिफाइड है तो रूल्स देखो, रूल्स के हिसाब से ही करो, क्योंकि आजकल के जो रूल्स है वो बहुत ही मतलब लाइट फॉग लाइट्स भी नहीं लगा सकते यार बाइक में। तो बस यही सब शेयर करना था आप लोगों से, सोचा आप लोगों के कुछ काम आ जाए। वैसे आज का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ है, पहले तो पूरा सनी सनी था, उसके बाद में अचानक से अब पूरा विंडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तेज़ तेज़। तो फटाफट मैं आया ऊपर देखने के लिए कि क्या हालात है। तो हालात कुछ ऐसे है, पूरे बादल आ चुके हैं, मतलब हो सकता है बारिश आए। एक चीज़ अच्छी भी है बारिश की, एक चीज़ बुरी भी है। अच्छी है कि गर्मी के सीज़न में बारिश तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बुरी जो चीज़ है वो है कोरोना। कोरोना के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है ये बारिश हमारे लिए, मतलब। तो बस यही था गाइस आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा दूसरा चैनल ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और DIY वीडियोज़ है, मैं यहाँ पे कंटेंट नहीं पोस्ट करता तो वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ। और इंस्टा पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करते रहता हूँ। और वो पेपर वाला वो अगर आपको जानना है तो ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे पता लगेगा। तो गाइस मिलते हैं ऐसे एक नई और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी और सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या, बाय बाय, मिलते, देखते अभी और क्या कंटेंट मिलता है। बाय।